अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करूँगा एक जर्मन बहरिया के सरबराह और एक मुसलमान नौजवान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू। एक बार एक जर्मन बहरिया के सरबराह ने एक मुसलमान नौजवान से कहा, मैं तुम्हारे रसूल से बड़ा आदमी हूँ। नौजवान ने कहा, मेरा रसूल कौन है तुम्हें क्या पता? जनरल ने कहा, तुम मुसलमान हो और तुम्हारा रसूल मुहम्मद है। नौजवान ने कहा, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से तुम बड़े आदमी कैसे हो? जनरल ने कहा, मेरे एक हुक्म पर ये 20,000 फौजी जो तुम्हारे सामने हैं 10 मिनट के अंदर एक ही सफ में सीधे खड़े हो जाएंगे। नौजवान ने कहा, अगर तुम्हारे सामने मुख्तलिफ उम्र के 20,000 लोगों को लाया जाए तो इनको एक सफ़ में सीधा खड़ा करने में तुम्हें कितना वक़्त लगेगा? जनरल ने कहा, अगर वो मेरे तरबियत याफ्ता होंगे तो 2 घंटे के अंदर अंदर इनको एक ही सफ़ में सीधा खड़ा कर दूंगा। नौजवान ने अपना लैपटॉप ऑन किया और हरम पाक की नमाज खड़े होने का मंज़र जनरल को दिखाया और कहा, देखो जनरल, ये 30 लाख लोग हैं, इनको इमाम एक बार कहता है सफ़े सीधी कर लें, ये लोग कैसे ही 1 मिनट में सफ़े सीधी कर लेते हैं, हालांकि ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं, इनकी उम्रें भी मुख्तलिफ हैं, मर्द भी हैं, ख्वातीन भी, बच्चे और बूढ़े भी, मज़ूर और मरीज़ भी, मगर एक आवाज़ पर एक ही मिनट में कैसे सफ़े सीधी कर लेते हैं? ये हैं मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीमात और तरबियत का नतीजा। जनरल नौजवान को हैरानगी से देखता ही रह गया और अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गया। जी व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।